माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है पेरेंट्स के लिए है, इसमें मैंने ये बताया है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है ये हम सबके लिए नया है, और स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे कि तीन चार साल के हैं, जो टॉडलर्स हैं, जो नर्सरी जाते हैं, या फिर केजी के बच्चे हैं, और काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जिनका एडमिशन हुआ था बट नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, जैसे मेरी बेटी का। तो उसमें बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है, उनको इस चीज़ के लिए एडजस्ट करना, उनका रूटीन सेट करना, तो मैं ये सब आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो सबसे पहले आप बच्चों का जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है, घर पे एक अपना लोकेशन सेट कर लीजिए कि आपको यहाँ बैठाना है बच्चे को। जो बड़े बच्चे हैं वो जहाँ पे पढ़ते हैं यूजुअली, जहाँ पे उनका स्टेशनरी रहता है, जहाँ पे उनके बुक्स रहते हैं, आप वहाँ पे उनके क्लासेस करवाइए, वहाँ पे उनको क्लास के लिए बैठने के लिए बोलिए। और जो टॉडलर्स हैं, जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, जिनका कोई रूटीन इस तरह का नहीं है कि बैठ के बिल्कुल पढ़ने का कोई जगह ऐसा हो, तो उनके लिए एक फ़िक्स लोकेशन सेट कर दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है बाद में। अगर आप बार बार जगह चेंज करेंगे उसका, हर दिन जगह चेंज करेंगे, तो वो उन चीज़ों से डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक जगह बिल्कुल फ़िक्स कर दीजिए कि यहाँ बैठ के ही क्लास करना है। सेकेंड जो चीज़ आती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लैपटॉप यूज़ करिए, मतलब जितना हो सके लैपटॉप यूज़ करिए, मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में एक तो फॉन्ट्स छोटे छोटे होते हैं, जो लिखा हुआ होता है वो छोटा छोटा होता है, और बच्चों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। छोटे स्क्रीन से हमेशा अच्छा बेटर होता है बड़ा स्क्रीन, तो लैपटॉप प्रेफर करिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चीज़ का ऑप्शन है तो प्लीज़, मतलब ये सोच के कि मोबाइल हैंडी है, कहीं पे भी हो जाएगा, बच्चा बैठ के कर लेगा, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। लैपटॉप अगर उसको है तो आप लैपटॉप ही बच्चे को दीजिए करने के लिए। थर्ड जो चीज़ आती है वो है बच्चे का रूटीन सेट करना होगा, तो उनका रूटीन वैसे ही सेट करिए जैसे कि स्कूल जाता हुआ बच्चा करता है। मॉर्निंग में उनको रेडी करिए, उनका जो जो मॉर्निंग रिचुअल्स होता है वो सारा करवाइए उनसे, और जब उनको ब्रेकफास्ट करवा दीजिए पहले ही। ड्रेस पहनना है वो आप उनको घर का ड्रेस दे सकते हैं, और कुछ कुछ स्कूल से प्रेफर करते हैं कि आप एटलीस्ट स्कूल का कोई यूनिफॉर्म भी पहना दो, तो वो भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं, वो लोग एडजस्ट होने लग जाते हैं कि अच्छा ये रूटीन है स्कूल का, तो उन्हें ये फॉलो करना है। फिर ये जब ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी तो उसके बाद भी वो अपने जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं उसमें वो उसी रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है अपना अपने बच्चों के साथ टाइम टेबल शेयर करिए, मतलब कि जो स्कूल का जो टाइम टेबल दिया होगा, ऑब्वियसली क्लास स्टार्ट कर जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ होगा बच्चे का, तो टीचर्स ने उनके टाइम टेबल दिया होगा कि कौन कौन सा कौन सी क्लास कब है। दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड, वो वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अच्छा आज क्लास में ये होने वाला है, तो टाइम टेबल हमेशा बच्चों के साथ शेयर करिए। अब जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कंप्यूटर देना है कि मोबाइल देना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसके बाद आपको उनको एक बेसिक चीज़ें बता दीजिए लैपटॉप की कि कैसे ऑन करना है डिवाइस की, एक बेसिक जो जो सेटअप होता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो उनको बता दीजिए, कैसे उसको माइक को म्यूट करना होता है, कैसे कैमरा को पॉज करना होता है। जो छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, उनको ये चीज़ तो नहीं आएगा कि खुद से म्यूट अनम्यूट करना नहीं आएगा, बट आप उनसे इंटरेक्ट करते रहिए कि देखो अभी हमने म्यूट कर दिया है, देखो अभी हमने अनम्यूट कर दिया है, तुम्हारी आवाज़ मैम के पास जा रही है, अभी नहीं जा रही है, तुम्हारा फ़ोटो जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। बच्चों के साथ बात करिए इस बारे में, बच्चों को बेसिक एटिक्वेट सिखा दीजिए, मतलब कि यानी कि क्लास के टाइम पे जैसे मान लीजिए कैमरा ऑन है, तो उसमें बच्चों को जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि बैठे हैं उसके बाद फिर अचानक से वो लोग लेट जाते हैं, या फिर कुछ खाने लग जाते हैं, या फिर नोज़ ब्लो करने लग जाते हैं, अगर सर्दी होती है तो नाक नोज़ क्लीन करने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर उन्हें नोज़ क्लीन करना है तो एक बार कैमरा ऑफ कर दें, कैमरे को ऑफ कर दें, उसके बाद नोज़ क्लीन करें। फिर नेक्स्ट चीज़ जो चीज़ आती है, ट्राई करिए कि क्लासेस के टाइम के मतलब जो क्लास चल रही है उस बीच में उनको नाश्ता मत कराइए, उनको कुछ खिलाइए मत, क्योंकि अगर आपने एक बार खाना खिलाना शुरू कर दिया उनको तो फिर वो उनको उन्हें लगेगा कि शायद ये ऐसे ही फ़न क्लास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, तो वो लोग बाकी एक्टिविटीज़ भी करना शुरू कर देंगे।
उसके बाद उसकी नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए। उसकी नींद रात को अगर पूरी रहेगी तो मॉर्निंग में वो टाइम पे उठेगा, वो फ्रेश होके क्लास अटेंड कर सकेगा। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो फुल डे स्लीपी स्लीपी रहेगा, स्लीपी रहेगा, नींद आती रहेगी उसको, तो उसको क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़े बहुत बच्चे से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, या फिर जो 3-4 साल के बच्चे हैं उनसे जस्ट स्ट्रेच करवा सकते हैं। जो थोड़े बहुत बच्चों के एक्सरसाइज आते हैं, स्ट्रेच, आर्म स्ट्रेच करना, ये सब आप उनको करा सकते हैं। जो 3-4 साल के बच्चे हैं उनके साथ आप रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट डे देखा कि वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं है क्लास में, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो आप उसके साथ जब ऑफ स्क्रीन रहते हैं, मतलब जब आप बाकी के टाइम रहते हैं उसके साथ, तो बच्चे के साथ रोल प्ले करिए। यानी कि आप खुद ही बच्चे से कैमरे के थ्रू बात करिए, कि आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं घर पे ही। दो डिवाइस अगर है तो, जैसे कोई पेरेंट अगर पेरेंट है तो वो टीचर बन जाएँ, और जो स्टूडेंट, जो बच्चा है वो फिर समझेगा कि अच्छा, मतलब टीचर्स भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मम्मा यहाँ नहीं है और वो रूम से हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उससे समझ में आएगी चीज़ें कि क्या हो रहा है ये। जब क्लासेस चल रही हैं तो टॉयज़, मोबाइल फ़ोन्स और टीवी, ये सब कुछ वहाँ से हटा दीजिए, मतलब यानी कि टीवी बंद रखिए। क्लास के दौरान आप जो छोटे बच्चे हैं वो, उन बच्चों को स्कूल में डायरेक्टली ऑनलाइन किसी से बात करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को एंकरेज करिए बात करने में। जैसे कि मैंने पहले बताया, वीडियो चैटिंग करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, उनको समझाइए कि ऐसे ही होती है बातें जब दूर रहते हैं। तो जब ऑनलाइन क्लास हो जाती है उसके बाद हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ऑलरेडी बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस, काफ़ी बच्चों का 2 घंटे हो रहा है, 3 घंटे हो रहा है, जो उनका डेली रूटीन था बच्चों का, उसमें उनका स्क्रीन टाइम ऐड हो गया है। मतलब कि उनका लैपटॉप देखने का और टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप उनका बाकी का जो स्क्रीन टाइम है थोड़ा कट डाउन कर दीजिए। जैसे पहले था वैसे मत रखिए कि वो लैपटॉप ही देख रहा है, वो क्लासेस भी कर रहा है, राइम्स भी देख रहा है, फिर वो दूसरी चीज़ें भी टीवी पे देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, तो ये चीज़ आप लोग कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि आइज़ अफेक्ट हो सकती हैं इससे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब बच्चा अटेंड करेगा ना, तो उसे इंटरेस्ट शायद 1-2 दिन, 1 और 2 डेज शायद ना आए, ये सोच के कि क्योंकि वो एक जगह पे बच्चे को बैठाना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ ना देख रहा हो। तो हो सकता है कि इनिशियल 1 और 2 डेज में भी उसको इंटरेस्टिंग ना लगे, और वो फिर वो वहाँ से रेस्टलेस होने लग जाए, उसको बार बार कंट्रोल करके उसको लाना पड़ रहा हो स्क्रीन के सामने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करिए कि बच्चों को चॉकलेट्स ऑफर करिए। बच्चों को इस तरह से बोल दीजिए कि अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, छोटी मोटी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह। उसके बाद ये आप इस तरह से उनको अगर ऑफ़र भी करते हैं, तो धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे उनका इंटरेक्शन होगा टीचर से, फिर उनको अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जो इनिशियल डेज़ को कैसे हैंडल करना है, तो इनिशियल डेज़ जो उनकी स्टार्टिंग के जो दिन है वो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं अपने बच्चों को, कि उनको वहाँ बिठाने के लिए थोड़ा बहुत ऑफ़र कर सकते हैं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्प इससे आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप कोई दूसरा वीडियो चाहते हैं जिस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अगर जल्दी चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।